जय भीम दोस्तों, आप सबको बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी की जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं। जैसा कि आप सब जानते हैं, आज बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी की जयंती है और मैंने कल से आपसे एक बात कही थी कि हम बाबा साहब के बारे में कुछ बहुत महत्वपूर्ण जो चर्चा है वो आपके साथ करना चाहते हैं। आज उस चर्चा में मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप सब लोग जुड़ जाइए, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण चर्चा है और इस चर्चा में आपको कुछ बहुत ही जो महत्वपूर्ण जो तथ्य हैं वो बताए जाएंगे जो बाबा साहब की मृत्यु से, बाबा साहब के परिनिर्वाण से जुड़े हुए हैं। उसमें आप सब जानते हैं, उसमें हमने जो आपसे चर्चा की थी कि बाबा साहब से जुड़ी हुई जो बातें हैं उस पर हम चर्चा करेंगे। जो मुख्य जो बिंदु है वो ये है, जैसा कि आप सब जानते हैं कि बाबा साहब की जो मृत्यु हुई थी वो बहुत संदिग्ध मृत्यु थी और उसमें कई सारे सवाल वो खड़े करके गई हैं, और बाबा साहब के समकालीन जो लोग थे, बाबा साहब के जो अनुयायी थे, उन्होंने उस समय भी उस पर बहुत सारे प्रश्न उठाए थे, किंतु उस आवाज़ को दबा दिया गया। और आप ये भी जानते हैं कि उसमें जो है उस समय के जो सारा का जो सारा जो मीडिया था, उस समय की जो राजनीतिक जो मंशा थी, राजनीतिक जो लोग थे, उन्होंने उस सब के ऊपर एक तरीके से पर्दा डालने का काम किया। तो आज इस जयंती पर बाबा साहब की जो मृत्यु है उसके बारे में हम सरकार से आग्रह करेंगे कि सरकार उनके मृत्यु के लिए जो DIG सक्सेना कमीशन बना है उसको सार्वजनिक करें, ताकि हम ये जान सकें, ताकि आप ये जान सकें, ताकि सारा देश ये जान सके और पूरी देश और दुनिया में बाबा साहब के अनुयायी हैं वो ये जान सके कि बाबा साहब की आखिरकार मृत्यु कैसे हुई थी, उनकी जो पोस्टमार्टम जो रिपोर्ट उस टाइम पे जो हुई थी उसको सार्वजनिक किया जाए। और इसी संबंध में मैं आप चर्चा को आगे बढ़ाते हुए आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ। आप देखेंगे कि जब आज का जो दौर है, ये जो दौर है, ये दौर सामाजिक न्याय के क्षेत्र में एक बहुत बहुत महत्वपूर्ण दौर है, और सामाजिक न्याय के जो हमारे जो विरासत है, जिन्होंने हमें न्याय दिलाने के लिए अपने समय में अपने समय की जो परिस्थितियों से लड़ करके हम सबको आज मैं आपके सामने हूँ, आप सुन रहे हैं, मुझे सुन रहे हैं, तो ये उन्हीं की सबके देन है। नहीं तो शायद आपकी हमारी जो जगह है वो या तो कहीं जंगलों में होती या कहीं झोपड़ियों में होती। पर उस सब से निकल कर आप जब जानते हैं कि ये जो दौर है, ये दौर कबीर महात्मा कबीर से लेकर के महात्मा रविदास से लेकर के, और फिर बाद में ये दौर जो आया वो अब उसको जो उसका नेतृत्व जो किया, जो सामाजिक न्याय की जो संरचना है उसको पुख्ता करने का जो काम किया वो महात्मा ज्योतिबा फूले जी ने किया, बिरसा मुंडा ने किया, उसके बाद उस कमान को पेरियार जी ने संभाला, पेरियार जी के बाद इस कमान को बाबा साहब अम्बेडकर ने संभाला। और उस लंबी परंपरा में आप सब जानते हैं कि बाबा साहब अम्बेडकर ने अपने परिवार को भूलकर, अपने निजी स्वार्थों को भूलकर हम सबके लिए, आज की जो पीढ़ी है उस सबके लिए, जो दलित दमित पिछड़ा जो वर्ग है, महिलाएं हैं, उन सबके लिए अपने सारे सुख चैन को पीछे छोड़ दिया और वो लड़ाई लड़ते रहे। मैं आपके सामने कुछ तथ्य रखना चाहता हूँ। जैसा मैं आपसे कभी अभी कह रहा था, मैं आपके सबसे पहले कहना चाहता हूँ कि बाबा साहब अम्बेडकर के बारे में जब हम बात करते हैं, तो पाते हैं कि बाबा साहब अम्बेडकर का जो स्थान था वो एक बहुजन नायक में सबसे पूर्वधा लोगों के रूप में रहे, सबसे महत्वपूर्ण लोगों के साथ हैं, और उस पंक्ति में खड़े होने वाले जो लोग हैं वो मैंने आपको अभी एक श्रृंखला के रूप में गिनाया, महात्मा कबीर से लेकर के रविदास जी, पेरियार जी, ज्योतिबा फूले जी, सावित्रीबाई फूले जी, फातिमा शेख जी, ये सब हैं। और आज इन सब को जानने वाले जो लोग हैं और उनको जो मानने वाले जो लोग हैं उनकी तादाद बढ़ रही है। मतलब मैं आपसे सीधे रूप में ये कहना चाहता हूँ कि बाबा साहब को मानने वाले लोगों की, बाबा साहब को जानने वाले लोगों की एक स्वाभाविक रूप से उसकी संख्या बढ़ रही है, जिसमें आप हम सब हैं, और सामाजिक न्याय के जो पैरोकार हैं वो किसी जाति विशेष के नहीं है, वो उन सब जातियों में है जो जो कि
जाति व्यवस्था को एक नासूर मानते हैं, जाति व्यवस्था को एक समाज के ऊपर एक बीमारी के रूप में देखते हैं, वो सब उसको मिटाने के लिए बाबा साहब के अनुयायी बने हुए हैं। मैं अक्सर आपसे कहता रहता हूँ, पहले भी मैं उसमें कहता हूँ, सोशल मीडिया पे भी मैंने कई बार आपसे कहा कि दो आँखों में तुलना नहीं होनी चाहिए, पर इस तुलना को, इस व्याख्यान को आगे बढ़ाने के लिए हमें कुछ चीज़ें ऐसी है जिसमें तुलना करनी ज़रूरी है। आपके सामने मैं एक तथ्य रखना चाहता हूँ कि हमारे जो स्वतंत्रता आंदोलन था, हमारा जो स्वाधीनता आंदोलन था, उसमें दो फिगर, दो जो जो हमारी जो विरासत है वो उभर करके आई, उसमें एक का नेतृत्व महात्मा गांधी जी ने किया, दूसरी का जो नेतृत्व जो है वो बाबा साहब अम्बेडकर जी ने किया। आप सब जानते हैं कि बाबा साहब अम्बेडकर जी के साथ जो काम करने वाले लोग थे या बाबा साहब अम्बेडकर ने जिनके लिए काम किया, वो सारे जो लोग हैं उस मुहिम से जुड़ने वाले जो लोगों की संख्या अपेक्षाकृत गांधी जी से जुड़ने वाले लोगों की संख्या से ज़्यादा थी। और इसीलिए मैं आपके सामने कहना चाहता हूँ कि जब दो आँखों की जब हम बात करते हैं तो हम गांधी और अम्बेडकर जी के बारे में बात करते हैं। इनमें वैसे तुलना हम नहीं करना चाहते, पर इसके जो संदर्भ में जो जो चीज़ें हैं उसको हम ज़रूर यहाँ पे रखना चाहेंगे। आप सब जानते हैं कि हम ये भी जानने की कोशिश की गई है कि अपने वक्त में, अपने समय में इन लोगों ने देश के बड़े तबके को ज़्यादा प्रभावित किया, और इस तबके को प्रभावित करने वालों में बाबा साहब अम्बेडकर सबको पीछे छोड़ देते हैं। और ये बाबा साहब की थाती है, ये हमारा सौभाग्य है कि बाबा साहब जैसा व्यक्तित्व हमारे समाज में पैदा हुए, हमारे देश में पैदा हुए, और उन्होंने सामाजिक जो न्याय की जो बात है, सामाजिक समानता की जो न्याय है, बंधुत्व की जो बात है, उसको जो 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 लोकतांत्रिक मूल्य हैं उनको आगे बढ़ाने के लिए हम सब के लिए वो काम कर गए जो शायद बिरला ही कोई ऐसे काम को आगे बढ़ाता है। आप सब जानते हैं कि जब ये सारी जो बातें जब हम इसका जब डिस्कशन पर लाते हैं तो हम पाते हैं कि महात्मा गांधी जी के बारे में जो जितना भी साहित्य लिखा गया, जितनी भी चर्चाएं हुई, जितने भी पत्रकारों ने, साहित्यकारों ने अपनी बातें कही, उतना स्थान शायद बाबा साहब अम्बेडकर जी को नहीं दिया। और शायद क्या मैं खुले रूप से कह सकता हूँ, जैसी मेरी आदत है, कि बाबा साहब के अम्बेडकर के बारे में इन सब लोगों ने एक कंजूसी बरती और उनके बारे में उनको कोई जगह नहीं दी। वो जगह क्यों नहीं दी, ये आप सब जानते हैं कि बाबा साहब जिस समुदाय से आते थे उस समुदाय के लोगों को कोई जगह देना ही शायद आज भी नहीं चाहता है। पर सच पूछो तो हमारे जो उद्धारक हैं, हमारे जो उद्धारकर्ता हैं, वो बाबा साहब ही हैं। और उन्होंने बाबा साहब को जो ऐसा कहते हैं, और ऐसा कई लोगों का मानना है कि बाबा साहब जो है पश्चिमी भारत में जो महाराष्ट्र का जो हिस्सा है उसमें अपने कार्यों की वजह से, अपने समाज के लिए, अब समाज के उत्थान के लिए जो काम किया उसकी वजह से बहुत प्रसिद्ध थे। पर उत्तर भारत में अपेक्षाकृत बाबा साहब को बहुत कम लोग जानते थे। बाबा साहब को उत्तर भारत में उतना परसुएंस, उतना फॉलोइंग या उतना अनिवार्य लोग नहीं मिले जितने महाराष्ट्र और पश्चिमी भारत में मिले। तो एक शख्सियत हमारे सामने आई कांशीराम जी के रूप में, मान्यवर कांशीराम जी ने बाबा साहब को पश्चिम से उठाकर उत्तर में भी जो है एक तरीके से स्थापित कर दिया। और स्थापित करने की जो बात है उसको आप सब जानते हैं कि उन्होंने ऐसा उत्तरित बाबा साहब को किया कि बाबा साहब की विचारधारा की आंधी उत्तर भारत में भी और भारत के देश के दूसरे हिस्सों में भी बहुत तेज़ी से फैल गई। उसी आंधी को हम आप सब मिलकर के एक सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में, एक सोशल एक्टिविस्ट के रूप में आगे बढ़ा रहे हैं। ये आगे हमें इसको ले जाना होगा। पर मैं इसके साथ में एक बात कहना चाहता हूँ कि उस समय का जो साहित्य लिखा गया, मैं उन किताबों की, उन पत्र पत्रिकाओं की बात करना चाहता हूँ जिसमें बाबा साहब को और बाबा साहब के द्वारा किए गए जो कार्य थे उनको अपेक्षाकृत कम महत्व दिया गया। ऐसा क्यों किया गया ये तो एक बहुत चिंतनीय विषय है कि बाबा साहब जैसी शख्सियत को उस समय के लोगों ने उतनी तवज्जो नहीं दी जितनी कि अन्य लोगों को दी। और इसमें इसकी जो सबसे जो खास जो वजह थी, उसकी जो खास वजह थी वो ये थी, ये जो द्विज कलमकार थे, जो जाति व्यवस्था को मानने वाले जो लोग थे, उन्होंने बाबा साहब के जो कार्य हैं उनको ना तो समाज के नीचे तक जाने दिया और ना बाबा साहब को उसका श्रेय देने की के लिए वो तैयार थे। ऐसी स्थिति में बाबा साहब का पीछे छूटना, बाबा साहब के साथ एक तरीके से अन्याय था,
और ये जो अपनी इनकी जो मानसिक जो स्थिति है उसके अनुरूप ये ऐसा सदियों से करते आ रहे हैं, आज भी कर रहे हैं। और अगर आप हम सब जागरूक नहीं हुए, हमने हमारी बारे में सोचना अगर आरंभ नहीं किया, तो शायद आगे भी इनकी एक पूरी की पूरी वो चली जाएगी। आगे हम इस पे जब बढ़ते हैं तो हम पाते हैं कि देखिए, सबसे बड़ी जो बात है उसमें ऐसा नहीं है कि उस समय की जो लिखने पढ़ने वाले लोग थे या उस समय के जो पत्रकार और उस समाज के जो साहित्य लिखने वाले लोग थे जिन्होंने बाबा साहब को की उपेक्षा की, बाबा साहब की उपेक्षा करने में उन लोगों के साथ साथ तात्कालीन और उसके बाद की जो आने वाली जो सरकारें हैं, जिसको हम लोकतांत्रिक सरकारें कहते हैं, जो कि आपके हमारे वोट से वो सरकार बनती है और वो वोट से हमारे से सरकार तो बनती है, पर वो सरकार बनने के बाद हमारे वोट का जो महत्व है, वोट का जो मूल्य है, उसको भूल जाती है और वो वही काम करती है जो हमारे विपरीत होता है, जो हमारी हमारे हमारे जो स्टेटस है, हमारा जो सामाजिक स्तर है उसको उठाने के बजाय, हमारे शैक्षिक स्तर को उठाने के बजाय, हमारे आर्थिक स्तर को उठाने के बजाय, वो वही उन लोगों के काम करती है जो शायद उनको वोट भी नहीं देते हैं। ऐसी स्थिति में आप देखेंगे तो हम पाते हैं कि ये सारा का सारा जो एक षड्यंत्र है वो क्यों चल रहा है, और इसको समझना होगा। इसको जब तक आम आदमी समझेगा नहीं, मैंने यहाँ एक टर्म यूज किया, इसको जो एक इनोसेंट जो कॉमन मैन है, जो भला जो आदमी है, वो जब तक इसको समझेगा नहीं तब तक इसकी कलाइयाँ नहीं खुलेगी, तब तक इसके जो परत है वो नहीं खुलेंगी। उन परतों को खोलना जरूरी है। और जब हम पाते हैं तो हम देखते हैं कि जो बाबा साहब के साथ जो मैं जिस उपेक्षा की जो बात कर रहा था, वो उपेक्षा जो है, अगर हम लोकतांत्रिक सरकारों के पिछले 70 साल के इतिहास में देखें तो एक सरकार ऐसी आई जिसको हमने जनता दल की सरकार के रूप में देखा, जिसके अगुआ थे वो मान्यवर लालू प्रसाद यादव जी कह सकते हैं, वीपी सिंह जी कह सकते हैं, और उस सब के पीछे की जो मंशा थी वो वीपी मंडल जी ने उस व्यवस्था को उस एक 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 जो एक पूरा का पूरा तबका था, जिसको हम आज के टेक्निकल टर्म में पिछड़ा वर्ग कहते हैं, उसको आगे लाने के लिए मंडल कमीशन का एक एक बहुत बड़ा स्टेप आगे लिया। और आप सब जानते हैं आज की तारीख में जो हमारा जो ओबीसी वर्ग है, वो उसको हम एक तरीके से धर्मभीरु वर्ग भी कह सकते हैं, क्योंकि धर्म का की जो दुकान है वो उनके और हमारे कुछ जो लोग हैं उनकी वजह से ही चल रही है। पर उस ओबीसी वर्ग में भी अब जो जागरूकता का जो एक सैलाब उमड़ने लगा है, और उसको अगर हम देखें तो हम पाते हैं कि जनता दल की सरकार ने जब मंडल कमीशन आया, मंडल कमीशन की जो सिफारिशें आई, तो ये जो मानसिकता के लोग थे जिन्होंने पहले बाबा साहब की उपेक्षा की और आज भी लगभग वैसा ही कर रहे हैं, इन्होंने मंडल के अगेंस्ट में एक कमंडल की धारणा लेकर के आई और उन्होंने एक धर्म से जोड़ करके मंडल के विरोध में जो आंदोलन चलाया, वो सब आप सबने देखा। पर मैं वो कभी उस पर बाद में अभी जिक्र करेंगे, अभी उस पर उतना वो बात करने का वो नहीं है। अभी हम बात जो करना चाहते हैं वो ये है कि अम्बेडकर जी के बारे में ना तो किसी ने आज तक जानना चाहा और ना उस को लोगों ने बताने की कोशिश की। ये तो अभी जो नया जो युवा वर्ग है जिसने शिक्षा के माध्यम से एक नई अंगड़ाई ली है, वो अंगड़ाई लेने के बाद वो बाबा साहब को पढ़ना उन्होंने शुरू किया है, बाबा साहब को जानना उन्होंने शुरू किया है, और मैं शुक्रगुजार हूँ उस युवा पीढ़ी का कि उन्होंने अपने हकूक की लड़ाई के लिए अपने को जागरूक किया है, और ये मुहिम आगे चलती रहनी चाहिए। आप सब जानते हैं कि जो महानायक बाबा साहब अम्बेडकर हैं, इनके बारे में आज भी सरकारों ने चुप्पी साध रखी है। ये चुप्पी क्यों साध रखी है? क्योंकि आप सब जानते हैं, अगर मान लीजिए उनके किए हुए कार्यों को कोई आगे बढ़ाएगा तो उसका फ़ायदा आम आदमी को मिलेगा, आम जो लोग हैं उनको मिलेगा, महिलाओं को मिलेगा, जो धार्मिक रूप से अल्पसंख्यक लोग हैं उनको मिलेगा। पर इसीलिए लोग उनके काम को आगे नहीं बढ़ाना चाहते, और वो जो अम्बेडकर जी को लेकर सरकार का दोहरा रवैया इसीलिए हम सबके सामने है। और हमेशा ये आप देखेंगे कि ये हम सबके सामने समय समय पर आता भी रहा है, पर कुछ लोग इसको समझ पाते हैं, कुछ लोग इसको नहीं समझ पाते हैं। इस पर भी कभी हम बाद में जिक्र करेंगे, अभी हम मुख्य मुद्दे पर आते हैं। मैं आपसे कहना क्या चाहता हूँ, मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि बाबा साहब की जब मृत्यु हुई, बाबा साहब का परिनिर्वाण हुआ, बाबा साहब का महापरिनिर्वाण जब हुआ, तो आप सब जानते हैं तब बाबा साहब दिल्ली में जो रिंग रोड, जो पुराना रिंग रोड है जिसको हम इनर रिंग रोड बोलते हैं,
उस रिंग रोड में जो है दिल्ली की जो अभी जो नई जो विधानसभा है, विधानसभा के सामने 26 अलीपुर रोड है, 26 अलीपुर रोड में बाबा साहब रहते थे, उसी बंगले में जो अभी कुछ दो एक साल पहले सरकार ने वहाँ पे एक भव्य जो है स्मारक और उसका एक बिल्डिंग को जो है अपग्रेड कर दिया है, पर वहाँ पे बाबा साहब की जो गतिविधियाँ हैं वो किस रूप में देखती हैं, आप उसको कभी जाके देखेंगे तो शायद आपको पता लगेगा। मैं आपसे कहना क्या चाहता हूँ, मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि जब बाबा साहब की मृत्यु हुई तो बाबा साहब को 2 गज ज़मीन हम दिल्ली में क्यों नहीं दे पाए? उस समय की जो सरकारें थी, उस समय के जो रहनुमा थे, उस समय के जो राजनीतिक लोग थे, उन्होंने बाबा साहब के जो देह थी उसको जो है दिल्ली में से दूर बंबई में ले जा करके अंतिम संस्कार किया, ऐसा क्यों? ये आप अगर सोचेंगे तो इसमें जो सारी जो मैं जो बात कह रहा हूँ वो इसी मानसिकता के रूप में आप सबको सामने दिखाई पड़ेगी। आप देखेंगे कि ये जो पूरी की पूरी जो कहानी है इसको अच्छे से समझा जा सकता है और इसकी जो अहमियत है, क्योंकि बाबा साहब की जो अहमियत थी, बाबा साहब का जो खूबियाँ थी उसको शायद सरकार और समय के जो लोग थे वो उस पर ध्यान नहीं देना चाहते थे। एक तरीके से मरने के बाद भी बाबा साहब अम्बेडकर जी की जो है उपेक्षा करना चाहते थे। और महापरिनिर्वाण के समय आप जब देखेंगे उस समय के जो प्रधानमंत्री जी थे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, जिनके बारे में कहा जाता है कि उनसे बड़ा साइंटिफिक टेम्पर का आदमी इस देश में शायद अभी तक नहीं हुआ है, और ये बात बहुत हद तक सही भी है। और उनकी जो एक भलमानसता कहेंगे या उनकी जो भी उस समय की जो सोच थी, आप देखेंगे कि वो जब अलीपुर 26 अलीपुर रोड की जिक्र में जो कर रहा था, वो जब तक 26 अलीपुर रोड पर रहे, जब तक कि वो बाबा साहब के जो देह है वो विशेष विमान से बम्बई नहीं पहुँच गए। ये एक अपने आप में एक सोचने का वो है कि इसमें तो कोई शक नहीं है कि नेहरू जी, बाबा साहब की जो बुद्धिमत्ता है, बाबा साहब की जो सोच है उसका सम्मान करते थे, शायद इसी वजह से वहाँ रहे या उसकी कोई और वजह थी, ये एक अलग अलग पहलू है जिस पे कभी बाद में चर्चा हो सकती है। पर बात ये है कि जब बाबा साहब की देह को विशेष विमान से वहाँ पे बम्बई में पहुँचाया गया तो वो दौर ऐसा दौर था जो लगभग आज से मिलता जुलता था। आज से मिलता जुलता मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि आज जो देश के प्रधानमंत्री जिस तरीके से अपनी अपनी एक ओरे में काम कर रहे हैं, वैसे ही वो दौर जो था वो नेहरू जी के ओरे का दौर था। नेहरू जी के सामने शायद कोई बोलता नहीं था, और उस निर्णय में दिल्ली से बम्बई भेजने में, बाबा साहब की देह के निर्णय में, अगर सच सच पूछो तो नेहरू जी का ही शायद उसमें हाथ रहा होगा। क्योंकि अब उनके पीछे क्या इसकी मंशा थी, क्या बाबा साहब के मृत्यु के बाद जो एक मुहिम जो शुरू हुई थी उस वो मुहिम को रोकना चाहते थे, या उन्होंने क्यों बम्बई में भेजा, इसके बारे में तो एक अलग से बहस का विषय है। आगे हम इस पर जब हम बात करते हैं तो पाते हैं कि भाई उस समय में जिन 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 व्यक्ति ने, जिन बाबा साहब ने देश के पूरे देश का संविधान लिखा, और संविधान को लिखने वाले कोई किस रूप में उन्होंने संविधान लिखा ये भी आप हम सब जानते हैं। विधान संसद की जो पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट में जो उस टाइम के जो वो अभिलेख है, दस्तावेज है, उनमें ये सारा सब कुछ लिखा हुआ है कि संविधान लिखते लिखते बाबा साहब वहीं सोफे पे सो जाते थे, वहीं उनसे वहाँ से कई कई दिनों तक वहाँ से जाते नहीं थे, अकेले अकेले उसको लिखते रहते थे, बाकी लोगों ने उनके ऊपर बहुत सारी नाइंसाफियाँ की, ये सब आप जानते हैं, इसके बारे में मुझे कहने की कोई ज़रूरत नहीं है। पर मैं आपके सामने एक बात कहना चाहता हूँ कि बाबा साहब की जो आकस्मिक मृत्यु हुई थी उसके पीछे एक संदिग्धता है, एक एम्बिग्युटी है, एक शक की जो है वो आगे एक शक जो है वो आगे बढ़ता है, वो किस रूप में आगे बढ़ता है, और उसकी जो संदिग्धता है, उसकी जो एम्बिग्युटी है, उसके पीछे की जो एक तरीके से षड्यंत्र है, उसको डिस्क्लोज करने के लिए, उसकी जांच करने के लिए, उसको इन्वेस्टिगेट करने के लिए उस समय जो है DIG सक्सेना एक अफसर थे, उनकी उसमें नेतृत्व में एक कमीशन बनाया गया, और उनके द्वारा जो रिपोर्ट है उसको संसद पर रखा जाना था, पर आज तक उस रिपोर्ट को संसद के पटल पर नहीं रखा गया है।
ये सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क है। ये क्वेश्चन मार्क क्यों है? क्योंकि अगर इसमें कोई भी अगर मान लीजिए दुराव छुपाव नहीं है, कोई भी षड्यंत्र नहीं है, तो वो रिपोर्ट सार्वजनिक हो जानी चाहिए थी। आज तक वो रिपोर्ट सार्वजनिक क्यों नहीं हुई, इसी को लेकर के मैंने ये चर्चा आपके सामने रखी है, जिस पे आप सब लोग सोच सकते हैं। और मैं इससे जुड़े हुए जो कुछ तथ्य हैं वो अब आपके सामने दूसरे तरीके से रखना चाहता हूँ। और इसमें आप देखेंगे और पाएंगे कि बाबा साहब के बारे में उस समय जो अंतिम संस्कार जब बाबा साहब का बम्बई में हुआ, उस समय जो एक जनसैलाब पूरे महाराष्ट्र से उमड़ा, उसको देख करके शायद इस यहाँ के इस देश के जो हुक्मरान हैं वो शायद डर गए थे। उसके डरने के पीछे एक और वजह थी कि उससे कुछ पहले बाबा साहब के परिनिर्वाण से कुछ दिन पहले बाबा साहब ने एक आंदोलन चलाया था, और उसमें उन्होंने कहा था कि जैसे बाबा साहब ने जो हिंदू धर्म की जो दकियानुषी जो सोच है, हिंदू धर्म की जो संकीर्ण मानसिकता है, उसने बाबा साहब को बहुत अंदर तक कचोटा था, अंदर तक उन्होंने सोचने के लिए मजबूर किया था। इसीलिए एक बार बाबा साहब ने दुखी होकर के कहा था कि मैं हिंदू जन्मा हूँ, ये मेरी एक मजबूरी हो सकती है, पर मैं हिंदू के रूप में मरूंगा नहीं, ये मैं पूरे देश को बताना चाहता हूँ। उसी रूप में उन्होंने जो है हिंदू धर्म से पलायन करने की, हिंदू धर्म को छोड़ने की, हिंदू धर्म को त्यागने की लिए एक सभा की, और उसमें लाखों लोगों ने हिंदू धर्म को छोड़ा। ये लाखों लोग कौन थे? ये लाखों लोग वही थे जो बाबा साहब की तरह से घुटन महसूस कर रहे थे उस धर्म में, और उस मुहिम से डरकर ही शायद हो सकता है बाबा साहब के जो देह थी उसको शायद दिल्ली में जगह ना दे करके और बम्बई तक भेजा गया। और भी कुछ वजह हो सकती है, पर जिस तरह से उस समय अंबेडकर वादियों का जो कारवां जिस गति से बढ़ रहा है, उसको सामने रख करके फर्ज करिए कि डॉक्टर अंबेडकर का अंतिम संस्कार दिल्ली में अगर हुआ होता, तो देश की राजधानी में 6 दिसंबर को जो बाबा साहब के जो महापरिनिर्वाण दिवस पे जो एक संसद के में एक कार्यक्रम होता है, उसमें क्या क्या कितनी बढ़ोतरी हुई होती, ये एक कुछ लोगों का सोचना है। और उन्होंने जो मैं अभी आपसे कुछ जिक्र कर रहा था कि बाबा साहब ने लोगों के अधिकारों के लिए, लोगों को सामाजिक न्याय दिलाने के लिए, समाज के लोगों को आगे बढ़ाने के लिए उन्होंने एक बहुत बड़ी मुहिम चलाई, और ये जो मुहिम थी, इस मुहिम में उन्होंने हिंदू धर्म को त्यागने की लोगों से अपील की, और उस अपील के दौरान जो अपुष्ट जो खबरें हैं वो ये बताती है लगभग 6 लाख लोगों ने हिंदू से बौद्ध धर्म में परिवर्तन किया। जो सरकारी उस टाइम के जो आंकड़े हैं, जो अखबारों में जो उस टाइम में कुछ छोटी छोटी जो खबरें छपी, उसमें ये आंकड़ा लगभग 1.5 लाख लोगों का है, वैसे ये 6 लाख लोग हैं। तो ये जो 6 लाख या 1.5 लाख जो भी लोग हैं, इन लोगों के धर्म परिवर्तन के बाद पूरे देश में एक अलग तरह की आंधी बह रही थी, और लोगों को ये अंदेशा लग रहा था शायद हिंदू धर्म इस देश से शायद ख़त्म हो जाएगा, जैसे जैन धर्म और बौद्ध धर्म के साथ हुआ। पर ऐसा लगता है कि बाबा साहब के जो हत्या है, बाबा साहब की जो मृत्यु है, उसके पीछे शायद इसी से जुड़े हुए लोगों की साजिश थी। ये साजिश क्यों थी? क्योंकि बाबा साहब जहाँ 26 अलीपुर रोड में रहते थे, वहाँ से बाबा साहब के घर से आखिरी कॉल जो है, उस समय के जो नेता थे, उस समय के जो राजनीतिक जो शक्ति का एक स्तंभ थे, वो थे मावलंकर जी। मावलंकर जी के घर पे
बारह बज के और एक मिनट से छः मिनट के बीच में एक कॉल आती है, एक कॉल जाती है, 26 अलीपुर रोड से एक टेलीफोन कॉल उनके घर पे जाती है। उस कॉल का क्या रहस्य था, उस कॉल की जो संदिग्धता है वो बाबा साहब की मृत्यु से जुड़ी हुई संदिग्धता है, क्योंकि उस वही कॉल जो है बाबा साहब की मृत्यु से जुड़ी होने के कारण लोगों ने आज तक उसके बारे में, उसकी तह में जाने की कोशिश की। और मैं अगली अपना जो मेरा जो व्याख्यान होगा इससे जुड़ा हुआ, उसमें मेरे पास कुछ स्टेटमेंट्स हैं जो बाबा साहब की मृत्यु को लेकर के, बाबा साहब के जो पास्ट लोग जो आते थे लोग, बाबा साहब की जो टीम थी, उस टीम ने DIG सक्सेना को कुछ लिखित स्टेटमेंट्स दिए हैं। वो स्टेटमेंट्स उस समय के कुछ छोटे छोटे अखबारों में, पत्रिकाओं में छपे थे, उनमें से एक स्टेटमेंट मेरे पास है। उस स्टेटमेंट को मैं अगले व्याख्यान में आप सब लोगों के सामने रखूंगा। पर इस बीच में आपके सामने एक और बात रखना चाहता हूं कि इसी संदर्भ में, इसी को लेकर के 2012 में एक RTI डाली गई और RTI में पूछा गया कि बाबा साहब की जो मृत्यु है उसका कारण क्या है। आप आश्चर्य करेंगे, आपको क्या महसूस होगा ये तो मैं नहीं कह सकता, पर मुझे जो महसूस उस RTI के उत्तर के बाद से हो रहा है वो ये लग रहा है कि ये जो बाबा साहब की जो मृत्यु की जो संदिग्धता है वो वाकई में उसके पीछे कोई ना कोई बहुत सॉलिड कारण है। वो RTI में पूछे गए 6-7 जो सवाल हैं उनका सवालों का जवाब आज भी सरकार देने के लिए तैयार नहीं है, और उसमें कुछ सवाल तो ऐसे हैं जो बेसिक हैं, उसके बारे में भी सरकार जो है RTI जो करता है उनको उन्होंने उसका जवाब नहीं दिया है। उसी के बारे में मैं आपसे कुछ जिक्र करना चाहता हूँ और उसी से जुड़ी हुई कुछ बातें आपके सामने रखना चाहता हूँ। देखिए उस RTI में क्या हुआ, पहले तो हम बात करें कि वो RTI किसने लगाई। वो RTI एक सामाजिक कार्यकर्ता RH बंसल ने लगाई। वो RTI कहाँ लगाई, राष्ट्रपति सचिवालय में लगाई। वो RTI कहाँ लगाई, गृह मंत्रालय में लगाई। वो RTI कहाँ लगाई, PMO में लगाई। पर तीनों ही जगह से, 1, 2, 3 तीनों ही जगह से उस RTI का जवाब नहीं मिला। ऐसा उस RTI में क्या था जो बाबा साहब की मृत्यु से जुड़ी हुई RTI जो है, जिसको सारा देश सारी दुनिया जानना चाहती है, उसमें एक बेसिक सवाल पूछा गया था कि बाबा साहब की मौत कैसे हुई, कब हुई और कहाँ हुई। ये जो बेसिक जो सवाल है उनका कोई जवाब देना नहीं चाहता इस देश में आज भी, उस मानसिकता को आप देखिए। उस RTI में पूछा था कि क्या मृत्यु के उपरांत बाबा साहब की देह का पोस्टमार्टम कराया गया था, और अगर पोस्टमार्टम कराया गया था तो उस स्थिति में उनके परिवार का कौन सदस्य वहाँ पे मौजूद था। आप सब जानते हैं आज भी लो है, वो लो तब का ही है कि किसी के परिवार से किसी का पोस्टमार्टम होता है तो उसके परिवार का एक सदस्य वहाँ पे जरूर होता है, उसके सामने ही उसका पोस्टमार्टम किया जाता है। तो ऐसा क्या बाबा साहब की देह का जो पोस्टमार्टम हुआ उस समय बाबा साहब से जुड़ा हुआ कोई आदमी उस समय वहाँ पे था, इसका सरकार जवाब नहीं देना चाहती। उसमें पूछा गया कि संविधान निर्माता की मृत्यु प्राकृतिक थी या हत्या थी, जिसके बारे में मैं आपके सामने ये सारी की सारी बात लेकर के आया हूँ। उसमें पूछा था कि उनकी मौत किस तारीख को हुई। ये सब जानते हैं कि बाबा साहब की मृत्यु 6 दिसंबर को बताई गई, पर बाबा साहब की जो देह थी वो उस समय के लोग, और जो मैंने जो कुछ मुझे पढ़ने को मिला है, जो मैंने रिसर्च किया है, उसमें ये मिला है कि बाबा साहब की जो देह थी वो नीली पड़ चुकी थी। ये नीली देह पड़ने का क्या राज है आपको मैं बता दूं। तकनीकी रूप से जब किसी की मृत्यु होती है या मृत देह है वो ज़्यादा समय तक अगर रखी रहती है तो वो
जो ब्लड जम करके उसका जो कलर है वो नीला, डार्क नीला जैसा हो जाता है। इसीलिए ये जो आरटीआई में जो पूछा गया है उसमें इसलिए पूछा गया है कि भाई उनकी तारीख, मृत्यु की तारीख क्या थी, क्योंकि वो एक शक पैदा करती है। और उनकी जांच के लिए जो रिपोर्ट तैयार हुई है, जिसको डीआईजी सक्सेना ने किया है, किसने किया है? डीआईजी सक्सेना ने किया है। ये डीआईजी सक्सेना की जो रिपोर्ट है, ये रिपोर्ट आज तक क्यों नहीं सार्वजनिक की है? ये आप सबको सोचना चाहिए। और इस पे अगर आप कर सकते हैं तो आपको सोशल मीडिया के माध्यम से अपनी आवाज़ को आगे बढ़ाना चाहिए, ताकि ये जो है बाबा साहब के साथ न्याय हो सके। मैं जिस आरटीआई की बात कर रहा था, ये जो आरटीआई है, ये आरटीआई राष्ट्रपति सचिवालय ने इसका जवाब नहीं दिया, गृह मंत्रालय ने इसका जवाब नहीं दिया। गृह मंत्रालय ने आवेदक को सूचना की कि डॉक्टर अम्बेडकर की मृत्यु से संबंधित पहलुओं के बारे में मांगी गई जानकारियां मंत्रालय के किसी भी विभाग, प्रभाग या इकाई में उपलब्ध नहीं है। क्या बाबा साहब की मृत्यु हुई नहीं है? क्या बाबा साहब आज भी जिंदा है? हमारे दिलों में जरूर जिंदा है, पर उनकी मृतदेह तो ये सरकार के पास, ये एक जो बेसिक जो इन्फॉर्मेशन है वो उपलब्ध नहीं है। ये आप देखिए, इस देश में लोकतंत्र की कहानी है। क्या है? लोकतंत्र की कहानी है। इस लोकतंत्र की कहानी के किरदार आप हम सब हैं, क्योंकि आप हम सब वोट देते हैं। किनको वोट देते हैं? जो बाबा साहब के बारे में एक छोटी से छोटी सूचना आप हमको नहीं देना चाहते। आगे देखिए इसमें क्या हुआ कि मौत किस कैसे हुई, किस बीमारी की वजह से हुई। आप सब जानते हैं कि बाबा साहब को जो है शुगर की बीमारी थी, और बाबा साहब को शुगर की बीमारी आप हमको जो सुविधा संपन्न बनाने का जो बीड़ा उन्होंने उठाया, और उस बीड़ा उठाने के बाद उसको अंजाम तक पहुंचाया, उसकी वजह से बाबा साहब को शुगर हो गया था। पर शायद आज भी हम लोग उनके उस योगदान को भूल रहे हैं। उनकी हत्या की साजिश की गई थी, ये उसमें आरटीआई में सवाल पूछा है। इसके बारे में भी सरकार ने कोई जवाब नहीं दिया। आप बताइए, ये जो जो मौलिक जो प्रश्न है, जो छोटे छोटे जो प्रश्न है, वो आज भी 1956 से लेकर के आज तक कोई बताना नहीं चाहता है। ये इस देश के लोकतंत्र की कहानी है। मैं कुछ चीज़ें आपके सामने रखना चाहता हूँ, जिसमें एक जो बात है वो बाबा साहब के भाषणों से मिलती है। बाबा साहब का जो सोचना था, बाबा साहब का जो सोचना था, वही सोच की वजह से शायद बाबा साहब की जो मृत्यु जो हुई है, बाबा साहब का परिनिर्वाण जो हुआ है, वो बाबा साहब की डेथ जो हुई है, वो एक संदिग्ध कारणों की वजह है। उसमें आप देखते हैं कि बाबा साहब ने अपने भाषणों में कहते थे कि अगर तुम्हारे पास पैसे नहीं है तो तुम खाना कम खाओ, पर पढ़ाई पर किसी भी कीमत पर मत छोड़ो। ये पढ़ाई को नहीं छोड़ने का जो मंत्र बाबा साहब ने दिया, उस मंत्र से सब लोगों को परेशानी थी, इसलिए लोग शिक्षा को आगे नहीं बढ़ने देना चाहते थे। एक दूसरी वजह क्या है, जब तक तुम शिक्षित नहीं होते हो तुम प्रगति नहीं कर सकते हो। हिंदू धर्म दूसरी जो वजह, जो मुख्य वजह है वो ये है, हिंदू धर्म ने दलितों को अज्ञानता के अंधेरे में धकेल रखा है, जिससे कौन बचा सकती है? शिक्षा बचा सकती है। शिक्षा को बाबा साहब ने क्या कहा? शेरनी का दूध। क्या कहा? शेरनी का दूध। ये शेरनी का दूध क्यों है? क्योंकि जितना जो पढ़ेगा वो उतना ही दहाड़ेगा, ये बाबा साहब का कहना था। तो अज्ञानता के अंधेरे में धकेले रखा है, जहां चार वर्णों का भेद है, लेकिन शिक्षा के माध्यम से तुम उन्नति कर सकते हो। आज भी आप हम जो जातियों में बटे हुए लोग हैं, जातियों में बटे हुए हैं, एक दूसरे को इंसान नहीं मानते हैं। इवन जो हमारी जो कैटेगरीज बनी हुई है, ओबीसी एससी को इंसान नहीं मानती है, एससी एसटी को इंसान नहीं मानती है। इवन एससी में जो है वो एक जाति दूसरी जाति को, एक वर्ग दूसरे वर्ग को अपने से नीचा मानता है,
सब जगह मनुष्य की जो मनुष्यता है उस पे एक संदेह किया जाता है। इस पर कभी बाद में बात करेंगे। मैं एक उदाहरण आपके सामने रखना चाहता हूँ और ये उदाहरण है, प्रख्यात विचारक हुए हैं, कोलकाता यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर थे जगदीश सर चतुर्वेदी जी, और उन्होंने लिखा है कि अम्बेडकर ने भारत की सभ्यता की मीनारों पर चढ़कर नहीं देखा बल्कि शूद्र के आधार पर देखा। शूद्र के नजरिए से भारत के इतिहास को देखा, शूद्र की संस्कृतिहीन अवस्था के आधार पर खड़े होकर देखा। इसी अर्थ में डॉक्टर अम्बेडकर अछूतों की खोज ऊवर शूद्राज आधुनिक भारत की सबसे मूल्यवान खोज है। पर ये शूद्र होने का जो कलंक है वो आज भी वैसा का वैसा ही है। अम्बेडकर जी के विचारों में निरंतरता और गतिशीलता के आधार पर पढ़ना चाहिए, ये जगदीश चतुर्वेदी जी कहते हैं। आगे क्या दूसरी जो बात है वो है कि भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने का जो सपना है, भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने का जो सपना है इसके खिलाफ बाबा साहब शुरू से थे। आरंभ से जो है बाबा साहब हिंदू राष्ट्र के खिलाफ थे क्योंकि हिंदुत्व में सारी शोषण की बीमारियां हैं जिससे बाबा साहब आजी जा चुके थे, परेशान हो चुके थे। और उनका कहना था कि जब तक ये देश विकास के पथ पर नहीं आगे बढ़ सकता जब तक इस देश में हिंदुत्व है। क्या है? हिंदुत्व। आप सब हम उससे जुड़े हुए हैं, जब तक उससे निजात नहीं पाएंगे तब तक देश का विकास नहीं हो सकता है। क्योंकि आप जानते हैं उसको बढ़ाने के लिए एक जो मानसिकता काम कर रही है वो हम सबको बांटने के लिए नए नए कानूनों की बात करती है, मंदिर मस्जिद की बात करती है, पर हमारा जो वास्तविक जो मनुष्यता है उससे वो जो है वो कोसों दूर है, मनुष्यता से कोसों दूर है। और आपने देखा होगा वो जो मानसिकता है उस मानसिकता को RSS कहते हैं, वो हमारी जो सामाजिक जो हक है आरक्षण उसको उन्होंने ख़त्म कर दिया है। पुनर्विचार तो वो काफ़ी दिनों से कर रहे हैं। हिंदू की जो संस्कृति है पूरे भारत के लिए जीवन संहिता बनाना संघ ने घोषित कर दिया है जिसके खिलाफ बाबा साहब आरंभ से थे। महिलाओं के लिए ड्रेस कोड की जब बात करते हैं, लव जिहाद की बात करते हैं, ये सब सारे के सारे सिगुफे उनके द्वारा चलाए जा रहे हैं। पर आप जब जानते हैं कि बाबा साहब के महापरिनिर्वाण दिवस 6 दिसंबर और जयंती पर 14 अप्रैल की याद जब हम करते हैं तो अपनी जिम्मेदारी निभा लेते हैं कि हमने बाबा साहब को पुष्पांजलि अर्पित कर दी, बाबा साहब के ऊपर हमने एहसान कर दिया। ये बहुत दुखद है लेकिन अब वक्त आ गया है, अब समय आ गया है आपके जागने का। क्या करने का? जागने का। और जागना कैसे है? बाबा साहब के सम्मान के लिए जागना है। बाबा साहब आपको इतना सब कुछ दे के घर के गए, अब आप थोड़ा सा बाबा साहब के लिए जाग जाइए। और जाग कर कोई उनके ऊपर कोई ऐसा नहीं है कि आपको अपनी धन दौलत देनी है, आपको धन दौलत नहीं देनी है। बाबा साहब हर हालत में हिंदू राष्ट्र बनने से रोकना चाहते थे, इसके लिए आपको कमर कसनी होगी। क्योंकि वे हिंदू जीवन संहिता को पूरी तरह स्वतंत्रता किसके स्वतंत्रता के समता के बंधुत्व का विरोधी मानते थे और आप उसमें घुसे हुए हैं। उनके द्वारा हिंदू राष्ट्र के विरोध का कारण केवल हिंदुओं या मुसलमानों के प्रति नफरत तक सीमित नहीं था, इसको आप लोगों को समझना होगा। और क्या करना होगा? सच में जो वास्तविक जो बातें हैं वो ये हैं। सच तो ये है कि हिंदू राष्ट्र को मुसलमानों की तुलना में
हिंदुओं के लिए ज़्यादा खतरनाक मानते थे बाबा साहब, कि इस देश में मुसलमानों जो है वो दलितों आदिवासियों पिछड़ों के विरुद्ध नहीं है, पर जो हिंदू है, हिंदू में जो तीन जो ऊपर की जो जमात है वो आपके खिलाफ है। वे हिंदू राष्ट्र को दलितों आदिवासियों पिछड़ों और महिलाओं के खिलाफ मानते थे। उन्होंने साफ कहा था जाति व्यवस्था को बनाए रखने के लिए अनिवार्य शर्त है महिलाओं को अंतरजातीय विवाह करने से रोका जाए। ये यहाँ इनकी जो मानसिकता है, और इसी से वो करने के लिए बाबा साहब ने हिंदू कोड बिल संसद में पेश किया, और हिंदू कोड बिल को उन मावलंकर जैसे मानसिकता के लोगों ने संसद में पास नहीं होने दिया। उनके हिंदू राष्ट्र को भारी खतरा मानने के पीछे जातीय व्यवस्था से पैदा हुई असमानता का एक बड़ा कारण थी, जो स्वतंत्रता, बराबरी, भाईचारे, लोकतंत्र के निषेध का निषेध करती है। ये बाबा साहब का कहना था। परिणाम क्या हुआ? बाबा साहब ने लोगों को जागरूक करने के लिए उस समय अखबार निकाले, एक मूकनायक अखबार निकाला, एक बहिष्कृत भारत निकाला, एक जनता निकाला, पर इनके प्रकाशनों को जो है बाबा साहब आर्थिक तंगी के कारण, जो कि आज भी हमारे जो सामाजिक कार्यकर्ता है उनको अपनी कार्य योजनाओं को चलाने के लिए इसी तरह का सामना करना पड़ रहा है। बाबा साहब को ये अखबार बंद करने पड़े, और 1949 में संविधान सभा में अपने अंतिम भाषण में बाबा साहब ने भक्ति वंदना के खिलाफ, नायक वंदना निश्चित तौर पर बर्बादी का रास्ता है जो कि आज भी चल रहा है, और ये रास्ता जो है तानाशाही की ओर ले जाता है, जो इस देश के लिए एक और नासूर बनने वाला है। आप देखेंगे तो पाएंगे कि बाबा साहब जो है वो हमेशा नायक वंदना के खिलाफ थे, वो अंधभक्ति के खिलाफ थे, और दुखी मन से पुणे के एक भाषण में बाबा साहब ने भारतीय पत्रकारिता को भी व्यवसाय, जो आज जो गोदी मीडिया है, ऐसा ही गोदी मीडिया ये शुरू से ही रहा है, बताया था कि इसका कोई नैतिक काम नहीं है, मीडिया का कोई नैतिक काम नहीं है, ये सिर्फ कहानियाँ बनाती है, ये स्वयं को जनता का जिम्मेदार सलाहकार नहीं मानती है। ये बाबा साहब ने उस समय के पत्रकारिता के बारे में कहा था, और बाबा साहब चाहकर भी मूकनायक और बहिष्कृत भारत जैसे अखबारों को आगे नहीं बढ़ा पाए, जो कि उस समय भी जनता की आवाज़ थे। ऐसे आज भी कई जो सामाजिक कार्यकर्ता अपने मुहिम में लगे हुए हैं वो भी इसी तरह की कठिनाइयों का सामना कर रहे हैं। और आप देखें कि बाबा साहब अम्बेडकर इस देश के विकास में सबसे जो मुश्किल चीज़ जो मानते हैं, सबसे बड़ी जो बीमारी मानते हैं, वो इन दो को मानते हैं, ब्राह्मणवाद और मनुवाद। ये जब तक इस देश में है तब तक इस देश का विकास नहीं हो सकता है, और ये जो दोनों की दोनों जो वाद है, ये बहुजनों की जो स्वार्थपरकता से जुड़ी हुई जो चीज़ें हैं उस पर हावी हो जाती है। आज भी हम जितना मंदिरों में दान देते हैं उतना शायद शिक्षा के लिए दान दे तो देश का विकास अलग तरीके से हो सकता है। ये जो सारी जो चीज़ें थी, इन चीज़ों की वजह से वो जो मानसिकता है, उस मानसिकता के मन में बाबा साहब के प्रति बहुत गुस्सा भरा हुआ था, और वो जो है उसकी कीमत शायद बाबा साहब ने चुकाई, और उस कीमत को चुकाने में जो हम जो आज डिस्कस कर रहे हैं, उस समय के अखबारों में जो कुछ खबरें जो छपी वो बताती है कि डीआईजी सक्सेना की रिपोर्ट के अनुसार अम्बेडकर की मृत्यु की आधी रात को एक फ़ोन कॉल मावलंकर के पास गया था। किसके पास गया था? मावलंकर के पास, जो मैंने आपको शुरू में बताया।
वो कॉल वहां पे गया था तो क्या हुआ, उस समय के अखबारों की खबरें बताती है कि डॉक्टर अम्बेडकर का शरीर नीला पड़ गया था। शरीर नीला क्यों पड़ता है, मैंने आपको आरंभ में बताया, उनकी जो मेडिकल की जो रिपोर्ट है वो सार्वजनिक नहीं की गई है। वो क्यों नहीं की गई है, उसी की हम आज मांग कर रहे हैं। अम्बेडकर जी की जो मौत की जांच के लिए बनाए गए DIG सक्सेना आयोग की रिपोर्ट आज तक संसद के पटल पर क्यों नहीं रखी गई है, जबकि उसको संसद पर रखा जाना था। और सबसे बड़ा यक्ष प्रश्न ये है कि उनकी मृत्यु की संदिग्धताओं की ओर ये सब के सारे जो कारण हैं वो संकेत करते हैं कि उनकी जो मृत्यु थी वो स्वाभाविक नहीं थी। आप सब जानते हैं, इस व्याख्यान के आखिरी पड़ाव में मैं आपसे कुछ ज़्यादा नहीं मांग रहा हूँ, एक चीज़ पर मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ कि बाबा साहब के अधूरे जो सपने हैं उनको हम सबको पूरा करना है। बाबा साहब के सपने हम लोगों के लिए ही सपने थे, हर एक साथी को अपने अपने क्षेत्रों में जो है पहल करनी है। क्या करनी है, पहल करनी है। इस दिशा में अनेक साथी आज भी काम कर रहे हैं, उनको हमें सपोर्ट करना है। वो अपनी जान को दांव पर लगा करके आपके लिए लड़ रहे हैं, जो काबिले तारीफ है। अनेक साथीगण लोगों के सामने बाबा साहब के पीछे छूटे सवाल आगे ला रहे हैं। वे लोग प्रलंकारी घटनाओं के गवाह हैं, क्योंकि यही तो काम हमारा है। बाबा साहब जो हमारे लिए एक मुहिम चला के गए, उसके लिए कई लोग जो है काम कर रहे हैं, उनको आपको उनके साथ खड़े होना है, उनको सपोर्ट करना है। आपसे आग्रह है, क्या आग्रह है, कि जितना बन पड़े आप तन मन धन से सहयोग करें, बाबा साहब के सपनों को आगे बढ़ाएं। अब हम एक मांग करते हैं कि बाबा साहब की जो संदिग्ध जो मृत्यु है उसकी जांच के लिए गठित DIG सक्सेना की जो रिपोर्ट है उसको सार्वजनिक किया जाए, ताकि देश ये जान सके कि बाबा साहब की मृत्यु क्यों हुई थी। और इस व्याख्यान के माध्यम से मैं आप सबसे ही अपील करना चाहता हूँ कि आप अपने सोशल मीडिया से आप लिख करके अपने तहसीलदार को, अपने कलेक्टर को, अपने जो लोकल जो प्रशासन है उसको एक ज्ञापन दीजिए, और वो ज्ञापन की इतनी सारी प्रतियां राष्ट्रपति भवन और PMO में भिजवा दीजिए कि वो मजबूर हो जाए बाबा साहब की जो रिपोर्ट है उसको सार्वजनिक करने के लिए। इस व्याख्यान का आज का जो उद्देश्य था वो यही था कि मुझे उम्मीद है कि आप अपने आप को निराश नहीं करेंगे, और बाबा साहब की जो मृत्यु से जुड़ी हुई जो संदिग्ध जो घटनाएं हैं उनको उजागर करवाने में सहयोग करेंगे, ताकि बाबा साहब को न्याय मिल सके, आप हम ये जान सकें कि बाबा साहब की मृत्यु क्यों हुई, कैसे हुई, उसके पीछे क्या कोई षड्यंत्र था या वो प्राकृतिक रूप से मृत्यु हुई थी। मैं यही आप आपके सामने रखना चाहता था। आगे के व्याख्यान में जैसे मैंने आपसे कहा, मेरे पास कुछ स्टेटमेंट्स हैं, उन स्टेटमेंट्स को आपके सामने प्रमाण सहित अगले व्याख्यान में रखूँगा। तब तक के लिए मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ, और आपसे करबद्ध रूप से पुनः आग्रह करता हूँ कि आप बाबा साहब को न्याय दिलाने के लिए अपनी मुहिम को आगे बढ़ाइए, ज्ञापन दीजिए, और सरकार को और सरकार के नुमाइंदों को बाध्य कर दीजिए कि वो रिपोर्ट सार्वजनिक हो। जय भीम।